नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टोटल 15 स्टॉक्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कल बड़े एक्शन में रह सकते हैं क्योंकि कोई ना कोई खबर है। तो शुरू करते हैं एक एक करके बड़ी चीजों को डिस्कस करना। वन मोर थिंग, ये 15 स्टॉक कोई ऐसे छोटी मोटी या मिड कैप स्मॉल कैप नहीं है, ये जायंट है, हाथी है। हाथी एक चलता है ना अपने साथ 5-7 को घसीटता है, ऐसे शेयर्स हैं ये। तो मैंने यहाँ पे एक तरीके से बिग प्लेयर्स की लिस्ट बनाई है जिनके लिए कोई ना कोई खबर है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, पहले स्टॉक्स की लिस्ट ही डिस्कस करूंगा रीजन के साथ, उसके बाद इंटरेस्टेड लगे तो देखिएगा, अदरवाइज अपना टाइम बचाइएगा। तो पहले मैंने डिस्कस करना है टाटा ग्रुप को। अब टाटा ग्रुप को क्यों करना है और कौन से स्टॉक्स करने हैं वो समझो। टाटा ग्रुप से टाटा पावर मोमेंट पकड़ता हुआ दिख रहा है, पावर क्षेत्र के लिए बड़ी खबर आ रही है। और टाटा पावर में फ्राइडे के सेशन में खबर भी थी कि इन्होंने सोलर के लिए बैंक ऑफ इंडिया के साथ करार किया है, तो क्या इसमें कल भी कंटिन्यू होगी तेजी, मोमेंटम तेजी, वो देखने वाली बात है। टाटा मोटर्स ऑलरेडी लाइफ आई पे ट्रेड करता हुआ दिखा है फ्राइडे को, एक हमारा कन्विक्शन कॉल रहा है टाटा मोटर्स लंबे समय से, लेकिन इस भाव पे आके मेरे को टेस्ला की हालत देख के थोड़ा सा डर लग रहा है। तो यहां से कितनी तेजी और बन सकती है एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मेरे को क्या अप्रोच बनानी चाहिए। टाटा ग्रुप से है तो टाटा स्टील भी मोमेंट में आ रहा है क्योंकि मेटल क्षेत्र से रैली बनी थी, तो इसमें क्या करना है छोटा सा अपडेट दूंगा बस। अब टाटा ग्रुप अगर पूरा रैली करते हुए दिख रहा है, क्योंकि मैंने अभी जितने भी स्टॉक्स की बात करी, तेजी की बात करी, तो फिर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये होने वाला है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाटा ग्रुप से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जिसके परसों यानी 30 जुलाई को क्वार्टरली नंबर्स आने वाले हैं, तो वो अपने आप में कलेक्शन में रहेगा। रिजल्ट से पहले कैसे पोजीशंस क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट भी ग्रुप ही एक दोस्तों, और वो ग्रुप है अदानी ग्रुप। अदानी ग्रुप में अदानी एंटरप्राइजेस ने तेजी पकड़ ली है, क्या इस बार निकलेगी गाड़ी या वापस से घूम जाएगा ये चेक करना होगा। एंटरप्राइजेस चल रहा है तो पोर्ट्स तो डेफिनेटली चलेगा ही चलेगा, क्योंकि पोर्ट्स तो इनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर दिखता है, उसके बारे में थोड़े से लेवल्स डिस्कस करेंगे। अदानी टोटल गैस के कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, अदानी विलमार के कल रिजल्ट्स आने वाले हैं, एंड आप देखें तो फिर मंडे के बाद ट्यूसडे छोड़ो और वेंसडे छोड़ो, थर्सडे को अगेन आपके लिए अदानी पावर बिग नेम, इसके नंबर्स आएंगे, काफी इन्वेस्टर्स की पोजीशन है। एंड सेम डे अदानी ग्रुप की एक्वायर्ड कंपनी जो है अंबुजा सीमेंट, इसके भी रिजल्ट्स आएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप बड़े फोकस में आ जाते हैं। अब बात करता हूं अलग अलग स्टॉक्स की। डॉक्टर रेड्डी अपने रिजल्ट्स के बाद रिएक्ट करेगा और नंबर्स मेरे को बड़े दमदार लगे। आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स के बाद रिएक्ट करेगा, आपको पता है कितना बड़ा नाम है ये। अब आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स भी अनुमान से बेटर आए हैं, लेट्स सी कैसा रिएक्शन देता है। एनटीपीसी मजा आया भी और नहीं भी, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में डिप थी, लेकिन ओवरऑल नंबर्स ठीक लग रहे हैं। पावर ग्रिड सेम कहानी आ भी थी और आरईसी लिमिटेड। तो शुरू करता हूं एक एक करके कमेंट देना। सबसे पहले टाटा पावर की बात करेंगे। नो डाउट जो इनका करार हुआ है बहुत ही ज्यादा शानदार है फॉर बिजनेस, और बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी वो पॉजिटिव है, हालांकि बैंक ऑफ इंडिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। टाटा पावर एक तंगड़ा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, लेकिन क्या है ना कि वैल्यूएशंस को लेकर कुछ लोग कंसर्न जता रहे हैं। मेरा मानना है टाटा पावर किसी के पास उसे बेचना नहीं चाहिए, एक रेंज प्ले कर रहा है, ऊपर में 450 तक की आता है मैक्सिमम और नीचे बार बार 410 के पास जाता है, तो रेंज निकालता है देन डेफिनेटली ये रॉकेट हो सकता है, 500 टच कर सकता है। अदरवाइज मेरा मानना है 410 टू 420 के अराउंड आपको एक्यूमुलेट करने के मौके ढूंढने चाहिए, खरीदना चाहिए, और अगर किसी पे है तो वो 400 मतलब छोटे समय के लिए आए तो 435 के समथिंग का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अदरवाइज स्टॉप लॉस कोई है नहीं एक्चुअल में नियर बाय, आप अपनी बाइंग के हिसाब से लगाइए, और अगर कोई लेना चाहता है तो मेरे को लगता है वेट करना चाहिए उसे अभी। अगला है टाटा मोटर्स, दमदार स्टॉक है, शानदार प्रदर्शन है। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म वाले की बात करूंगा, बुक करो प्रॉफिट, नो डाउट आपको बुक करना चाहिए, रिजल्ट से पहले निकल जाओगे बुक करके बेटर रहेगा, क्योंकि रिजल्ट्स अच्छे भी आ सकते हैं बुरे भी आ सकते हैं, तो मेरे को लगता है रिस्क नहीं लेनी चाहिए, बुक करो।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बैठे रहो, 100 रुपए लगाए, 20 रुपए चाहो तो बुक मार सकते हो, और वापस से अगर करेक्शन आए तो दोबारा वो 20 रुपए लगाने, इसे छोड़ना नहीं है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, और आप चाहो तो पूरा होल्ड भी कर सकते हो। ट्रेडर हो आप, बुक करना चाहिए, रैली बन गई है 2-3 दिनों में अच्छी खासी, तो ट्रेडर को तो जहां पैसा दिखे मुझे लगता है उठाना चाहिए, मार्केट ऐसा ही होता है। टाटा स्टील चल रहा है जब तक ठीक है, क्योंकि मेटल्स में कुछ खास ऐसा मोमेंटम मेरे को दिख नहीं रहा है, क्योंकि बेस मेटल्स में गिरावट आ रही है। बाकी टाटा स्टील का चार्ट पैटर्न जो है कंटिन्यू लोअर लोस की फॉर्मेशन में है, मैं बुलिश नहीं हूं इस पे। 166 जब निकलेगा तब हम पॉजिटिव व्यू बना के इसमें लॉन्ग पोजीशन की राय भी देंगे। टाटा इन्वेस्टमेंट अगर पूरा टाटा ग्रुप चलेगा देन डेफिनेटली टाटा इन्वेस्टमेंट चलना है, एक लॉन्ग टर्म कैंडिडेट है, ये होल्डिंग कंपनी है, आप कह सकते हो इन्वेस्टमेंट कंपनी है टाटा ग्रुप की, तो लंबी अवधि के लिए अगर कोई टाटा ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए बेस्ट हो सकता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट से पहले तो कभी पोजीशन बनानी ही नहीं चाहिए एज पर द डिसिप्लिन। बाकी पूरा FMCG अच्छा कर रहा है, टाटा कंज्यूमर भी अच्छा कर सकता है, चार्ट पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, लेकिन एक चीज जो हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, 100 के PE पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो बिग अलर्ट। आगे अदानी ग्रुप से अदानी एंटरप्राइज पोर्ट्स, नो डाउट तेजी में है, अच्छे मोमेंटम में है, मेरे को अच्छे भी लगते हैं, काफी बार डिस्कस किया हुआ है, आप बैठे रहो। अदानी टोटल गैस मेरे को समझ में नहीं आता, मोमेंटम में आता है तो एक साथ आ जाता है 20% के, अदरवाइज कुछ नहीं करता तो फंसे रहते हैं इसमें, अवॉइडेबल स्टॉक है। अदानी विलमाल का रिजल्ट्स के बाद देखते हैं क्या होता है, बाकी पॉजिटिव नंबर से मैं उम्मीद करूंगा, इसलिए नहीं कि मैंने रिसर्च करी है, इसलिए कि FMCG अच्छा कर रहा है, बाकी तो नंबर आने के बाद ही कॉल आएगी। अदानी पावर ये अच्छा लगता है मेरे को, रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है। अंबुजा सीमेंट ये अलग दिग्गज कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो अदानी ने खरीद लिया, अदरवाइज ये अपने आप में बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। डॉक्टर रेड्डी के नंबर्स को पूरी तरीके से थम्स अप है, बाकी स्टॉक भागा हुआ है, बट मेरे को लगता है कल भी तेजी में आना चाहिए जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं, 2% तक तो आना चाहिए कम से कम। आगे ICICI बैंक, रिजल्ट्स इसके भी ठीक है, लेट्स सी पॉजिटिव आता है या नहीं आता, उम्मीद तो कर सकते हैं हम 1-1.5% की पॉजिटिविटी की। NTPC पावर ग्रिड मेरे को चेक करना होगा कि कैसे चलेंगे, क्योंकि मार्केट पे ही छोड़ रखा है, इसके रिजल्ट्स ऊपर नीचे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अलग हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अलग है, तो कमेंट करना बहुत मुश्किल है और हम करेंगे भी नहीं। REC लिमिटेड की बात करें दोस्तों, अगर मैं पहले स्टॉक निकाल लेता हूं आपके लिए, लगभग 625 पे बंद हुआ है, रिजल्ट्स से ज़्यादा चार्ट मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, वैल्यूएशन मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, और रिजल्ट्स की बात करूँ तो उतने इंटरेस्टिंग हैं या नहीं है एक बार चेक करना पड़ेगा, क्योंकि REC को ना मैंने चेक ही नहीं किया दोस्तों। REC हाँ जी, 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया है, 11,000 करोड़ से रेवेन्यू 13,000 करोड़ हो गया है, 3,000 करोड़ से मुनाफा 3,400 करोड़ हो गया है, वही हाल है इनका, क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी दिक्कत में आए हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा है, तो लेट्स सी बाजार में क्या रिएक्शन आता है। तो ये पूरी लिस्ट थी, होप आपको सही से डिसिप्लिन डिस्क्राइब कर पाया हूँ मैं, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।